हाय हाय चिंटू जी, इस कुर्ते में तो आप गुलगुलशन गुल फार्म लगोगे। ऐसे एक बात बताइए, इतना सर सवर के कहाँ जाने के इरादा है? हूँ डोली जी, कहाँ जा सकते हैं? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, काम पे जाना है, दुकान पे और कर जाना है। ओफो चिंटू जी, आपके पास तो आपके सोन परे के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। हर वक्त काम के चक्कर में शाकालाका बूम बूम करते रहते हो। ओहो मेरी बार भी डोली, जीवन के अंदर काम भी तो जरूरी होता है। अब मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो नानी जी की मदद कौन करेगा? तो ठीक है, आप नानी जी का साथ निभाना साथिया, और ये मायके से बंधी डोर अपने मालेगांव के चिंटू के साथ बन जाएगी। हुँ? मतलब फिर होंगे जुदा ना हम। कहता है ये दिल कि अब से घर हो या बाहर, हम आपके साथ विक्रम बेताल की तरह ही रहेंगे। हाँ डोली जी, साथ ही तो रहते हैं, और कितना साथ रहना है? चिंटू जी, ये दिल मांगे मोर। चिंटू जी, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है चिंटू जी, लेकिन आपकी बातों से तो लगता है कि आपको वाइफ बिना लाइफ के पली बड़े अच्छे लगते हैं। ओह डोली जी, कैसी बात कर रही हो आप? हैं, आपके साथ इसलिए शादी थोड़ी की है कि आपसे दूर रहना है। अच्छा चलो ठीक है, 24 घंटे आप मेरे साथ रह लेना, बस खुश। बहुत खुश, थैंक यू चिंटू जी। ये क्या हो गया डोली जी को? कहां से इतना प्यार उमड़ गया आज अचानक से ही? और 24 घंटे साथ में रहेंगी? मां कसम मेरी मीटिंग है, क्या हाल होगा मेरा अगर मीटिंग खराब होगी तो? नानी जी की बंदूक और मेरी खोपड़ी, यही ठीक है। जय बजरंग बली। अजाब गजाब घर जमाई। हाँ बेकूफ आदमी है वो, उसका क्या है? नहीं नहीं बात होगी मेरी उससे। हाँ अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं कि ऑर्डर ऑर्डर, हाँ हाँ ना, माल तो पैक हो गया भाई। हैं एक काम कर के उसके बेकूफ, आप पीजिए। पहले आप और भी डोली। चिंटू जी ठीक है। चिंटू जी आओ साथ में आएंगे, आ जाओ। सॉरी चिंटू जी, सॉरी। आ जाओ, जाइए जाइए। तुम्हारे डर से छुप छुप कर मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम नहीं हो ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी डांट खाने के लिए तो एक दो लड्डू हम ज्यादा खा लेते थे, लेकिन अब क्या करें, अब तो तुम्हारी याद हमें खाई जा रही। तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो, एकदम बच्चों की तरह। मतलब कि तुम्हारे बिना हमारा दिल और दिमाग दोनों काम नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा तुम्हारी जुदाई के गम में हम भड़ाम से फट जाएंगे। अरे अकेले में फटने की जगह हम किसी के सामने जाके फट जाते। मेरा मतलब है, किसी के सामने दिल की बात करेंगे तो शायद मन हल्का हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। चिंटू जी, इतनी देर आपके साथ रहकर लगा कितनी मस्त है जिंदगी, और आपको कैसा लगा? कितनी त्रस्त है ये जिंदगी। हाँ मेरा मतलब सैम टू सैम मस्त। सैम टू सैम ना? हाँ मैं पता था। आप दोनों की जिंदगी सातों जन्म ऐसी रहे, ऐसी दुआ करेंगे हम हमारे गुफा वाले पापा से। अरे मम्मी आपसे क्या कहें, आपके जमाई राजा के साथ रहकर ऐसा लगता है ढूंढ लेगी मंजिल हमें। पर मैं कहीं खो जाऊंगा, और ऐसे खो जाऊंगा कि कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। पता नहीं है डोली जी को 24 घंटे साथ रहने की बीमारी कहां से लग गई है। बीमार ये है और दवाई लगता है मुझे खानी पड़ेगी। इस 24 घंटे के साथ से हाथ कैसे छुड़ाऊं? राधे राधे, कोई तो राह दिखा दे। अगरबत्ती, धूप बत्ती, नारियल, माता की चुनरी, अब
और क्या रह गया? सुंदरी बेटा, क्या कर रही हो? वो बाबूजी, हम ना याद कर रहे थे। चलो अच्छा है, तुम भी जगदम्बे को याद करती हो, है? नहीं नहीं बाबूजी, हम तो ये याद कर रहे थे कि पूजा के सामान में क्या रह गया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, इसी बहाने तुम जगदम्बे को ना सही अम्बे को याद कर लेती हो पूजा के सामान के बहाने, है ना? हाँ, वो तो है बाबूजी। आपको हमसे कुछ काम था क्या? सुंदरी बेटा, तुम्हें जगदम्बे की याद आती है क्या? अरे बाबूजी, हम मैया को क्यों याद करेंगे? हमें अच्छे से पता है कि मैया काम से गई है, तो जब काम पूरा हो जाएगा तो मैया आ जाएंगी। हम छोटे बच्चे थोड़े ना है, अब इतने बड़े हो गए हैं, अब अगर मैया को ऐसे याद करेंगे तो कितनी शर्मिंदगी की बात है ना। बापूजी, हम बड़े हैं, बड़ों को थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। वैसे आपको मैया की याद आ रही है क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे याद नहीं आ रही है। और वैसे भी तुम जैसी अगर घर में बेटी हो तो फिर किसी की याद कैसे आ सकती है? नहीं, तुम अपना याद करो, सामान सामान याद करो ना, कुछ रह ना जाए। करो 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 जी, मैं चलता हूँ। जी बाबूजी, क्या रह गया सामान? डॉली जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या साबित करना चाहती हो आप? कोई किसी के साथ 24 घंटे कैसे रह सकता है? बताओ मुझे, नहीं बताओ। अरे क्यों नहीं रह सकता चिंटू जी, इंसान की परछाई भी तो उसके साथ रहती है, दिया के साथ बाती भी रहती है, वैसे हम भी आपके साथ रह सकते। और देखिए ना, आपके साथ लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए 6 घंटे तो हो ही गए ना, है ना? 6 घंटे नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है 6 साल बीत गए हैं। कुछ तो करना पड़ेगा चिंटू चौटाला, वरना डॉली जी कर देंगे तेरी जिंदगी में घोटाला। अरे नाना जी, क्या हुआ? अब तो गिर गए क्या? बैठे हुए हैं, गिरे हुए लग रहे हैं हम तुम्हें। नहीं, तुम क्या ढूंढ रहे हैं नीचे? ढूंढ नहीं रहे हैं, बस जगदम्बे को याद कर रहे हैं। ओहो नाना जी, नाना जी आपके तो मजे हैं, मतलब पत्नी घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, क्यों? बेटे बात डर की नहीं है, मेरा मतलब है, देखो इस उम्र में आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, है? अब वो क्या है कि जगदम्बे के साथ रहते हुए हमें 50 साल हो चुके हैं। लो लीजिए नाना जी, आप चाय पीजिए। ऐसे नाना जी, मालकिन जी की याद तो हमें भी बहुत आ रही, हमें ऐसा लगता है कि मालकिन जी को अब 2-4 दिनों में वापस आ जाना चाहिए। ये देखो, ये बड़े लाल हमारे जज्बात समझते, लेकिन तुम क्यों चाहते हो कि मालकिन 2-3 दिन में वापस आ जाए? वो क्या है ना नाना जी, की 2 दिनों बाद हमारे तनख्वाह का दिन है ना, इसलिए। चाय भी पी लियो, समझता आपके जज्बात। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, सासू माँ जी की भी जय हो। खुश रहिए। सासू माँ, ये क्या पढ़ती रहती हो आप सुबह से शाम तक, हैं? खत्म ही नहीं होने में आ रहा है, क्या क्या लिखा है इस किताब में? ये किताब नहीं, गीता है, हम गीता का सार पढ़ रहे थे, बहुत ज्ञान की बातें लिखी होती है इसमें, दुनिया की सारी समस्याओं का हल होता है, यही पढ़ पढ़ के तो हम इतने ज्ञानी हुए हैं। अच्छा, हाँ बहुत ज्ञानी हो आप तो, थोड़ा सा ज्ञान मेरे साथ भी बांट लो अपना, है सासू माँ? अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, बताओगी? पूछिए ना। आप ये बताओ कि जब कोई एक आम इंसान अचानक से ऊट पटांग हरकतें करनी शुरू कर दे, क्या मतलब है उसका? ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है, है? हाँ, इसका मतलब है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब? चिंटू जमाई जी, इसका मतलब है जब किसी इंसान का विनाश काल आ जाता है ना, तो वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। ये तो उल्टा कुछ और ही हो रहा है, उल्टी सीधी हरकतें डॉली जी कर रही है, विनाश मेरा हो रहा है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हिंदी में समझाओ। तो हिंदी में ही तो बता देते हम आपको। नहीं 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 नहीं, हिंदी मेरा मतलब विस्तार विस्तार से, अच्छे से खुल के बताओ, खुल के। इसका मतलब है जैसे रावण ने सीता मैया का हरण किया था,
कंस ने देवकी मैया की संतानों का वध किया था। अगर कोई इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करता है तो समझ लीजिए उसका विनाश काल चल रहा है। ओ बेटी की जान, फिर उसके लिए क्या करना होगा? उस दुष्ट का नाश कर दो, श्री राम जैसे धनुष उठा लो या फिर श्री कृष्ण जी जैसे सुदर्शन चक्र उठा लो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, फिलहाल मैं बड़े लाल जी को उठाता हूँ। चाय बना के पिलाएंगे ना? है पूछा क्या था, जवाब क्या दे रही है? देखो आगे आगे और ज्ञान है। इसने अजाब गजाब घर जमाई। चिंटू जी तो हमारे रिश्ते को कागज की नाव समझ रहे, जिसकी बुनियाद वो खुद ही हिला रहे। क्या हो गया चिंटू जी को? ओ तो आ गए आप। हाँ डोली जी, मीटिंग में क्या था? आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्या पता था आपको? आपको तो पता है सारी मीटिंग जरूरी होती है मेरी, इसमें क्या बताना है? देखिए चिंटू जी, बात को घुमाइए मत। आपने हमसे क्या वादा किया था कि साथिया साथ निभाना, प्यार के इस रास्ते में आप हमको साथ में लेके चलेंगे। डोली जी ये रास्ता प्यार का नहीं, व्यापार का था, वहाँ पे मैं ही जा सकता हूँ। आपको कहाँ कहाँ लेके जाऊँ मैं अपने साथ, बताओ मुझे। ओ तो हाँ ठीक है, हम यहाँ भी आपके साथ नहीं रहते है ना। ये क्या क्या कर रही हो? हमने कहा ना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। डोली जी ये क्या कर रही हो आप? ये सब लेके कहाँ जाने के चक्कर में हो? किसने कहा कि हम जा रहे हैं? जा तो आप रहे हैं हॉल में सोने, चलिए जाइए। मैं नहीं। जी हाँ डोली जी ये क्या कर रही हो? आपको लेके नहीं जाना है ना हमें कहीं, जाइए जाइए बाहर। अरे लेकिन ये यही पे तो कमरा है मेरा। डोली जी खोलो, बैग ऊपर आ रखा मेरा। हाँ बीना बोलो। अरे हाँ हम भी तो करुणा के बारे में ही सोच रहे थे। जब से तुमने कहा है ना उनके तलाक के बारे में हम बहुत डर गए। तुम्हें पता है हमने चिंटू जी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। हम करुणा जैसी गलती थोड़ी ना करेंगे, हम उन्हें एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देंगे। और अगर चले भी गए ना तो लौट आओ त्रिशा की तरह उन्हें वापस बुला लेंगे। बताओ सारा दिन तो डोली जी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैं एक मीटिंग में उन्हें घर छोड़ गया तो मुझे कमरे के बाहर छोड़ दिया उन्होंने। अब ये सब इस हालत में कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटे की जान गलती से नानी जी को पता लग गया ना सारी जिंदगी इसी हॉल में इसी सोफे पे सोना पड़ेगा। साड़ू भाई क्या बात है? साड़ू भाई डोली जी ने कमरे से बाहर निकाल दिया? साड़ू भाई डोली जी कैसे कमरे से बाहर निकाल सकती है मुझे? नहीं अगर निकालेंगे भी तो ये तकिया चद्दर लेके भेजेंगी, कभी भी नहीं देंगी वो मुझे। झूठ कहूँ ना तो आपको मच्छर उठा के ले जाए। झूठ कहूँ तो ना? अच्छा तो सच बता दो, ये तकिया और ये कंबल लेके कहाँ जा रहे हो? बताओ बताओ। अरे, अरे। क्या बात होगी, सोए नहीं अभी तक नानू? अरे एक मिनट रुको तो सही, बता रहे। अरे वो क्या बताएं, जगदम्बे के बिना तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम हाईवे पे सो रहे हैं। मतलब पलंग पे इतनी जगह होती है ना तो लगता हाईवे पे है। इसीलिए तो मैं नाना जी के पास सोने के लिए जा रहा था तकिया चद्दर लेकर के। भाई देखो अगर इनको रात को नींद नहीं आएगी तो नींद ना आने की वजह से इनको बीमारी लग जाएगी और बीमारी लग जाएगी तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। आई बात समझ में? इसलिए मैं नाना जी के साथ सोऊंगा, अकेले नहीं सोने दूंगा इनको। नहीं 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 हम हाईवे पे सो जाएंगे, तुम जाके अपनी गली में सो। मेरा मतलब अपने कमरे में जाके सो जाओ। ओहो नानू क्या बात कर रहे हो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो दोनों साथ में सोएंगे, चलो दोनों बैठ के ना गप्पे लड़ाएंगे, गप्पे लड़ाते लड़ाते सो जाएंगे। आ जाओ गप्पे लड़ाएंगे या सोएंगे? ओहो गप्पे लड़ाते लड़ाते सो जाएंगे, चलो आओ। नाना नहीं कहते, चलो 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 कम ऑन, चलो चलो चल रहे चल रहे। छोड़ दूं? अरे जैसे जगदम्बे छोड़ के गई है। बैठो वही तो मेन बात है, नानी जी छोड़ के चलेगी, मैं नहीं जा सकता। चिंटू चौटाला के होते हुए आप बिल्कुल भी अकेले नहीं रहोगे। अगर मैं वापस गया तो डोली जी मुझे कुछ नहीं देती। नहीं मेरा कहने का मतलब है कि डोली जी मुझसे नाराज हो जाएंगी,
मैं आपका ख्याल नहीं रख रहा हूँ, आपकी तबियत का चक्कर है ना। और फिर हो सकता है कि उसके बाद वो नानी जी को फोन कर दे, और नानी जी को फोन करने के बाद मेरा तो जो हाल करेंगी नानी जी करेंगी, पर आपका क्या होगा सोचो हैं। इसीलिए नानू मैं आपके साथ आपके पास रहूंगा। कम ऑन, दोनों सोते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाइन पे लग लो। ये रख दो, ये है ना, ये रख दो। कोई बात नहीं। नानू कहाँ ले जा रहे हो? मैं लेके जा रहा हूँ, खुद चल के आए हो यहाँ तक, आई बात समझ में? और एक बात बताओ कि कब से लग गई नींद में चलने की बीमारी? नहीं नहीं क्या, चलो कम ऑन। ये बीमारी की दुकान हो आप, कोई सी बीमारी छोड़ रखी है? अजब गजब घर जमाई। नानू कब से है ये बीमारी आपको? कौन सी? नींद में चलने की, और कौन सी? चलती फिरती बीमारी की दुकान हो आप भी। अरे हमें कोई नींद में चलने की बीमारी नहीं है, वो तो हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। वो सब छोड़ो, ये बताओ डॉली ने तुम्हें कमरे से बाहर निकाला था ना? डॉली जी कैसे निकाल सकती है मुझे कमरे से बाहर? नानू मैं तो अपनी मर्जी से खुद कमरे से बाहर आया था। और ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉली जी ने मुझे कमरे से बाहर निकाला है? चिंटू बेटा, जिस स्कूल की मास्टरनी से तुमने शादी की है ना, उस स्कूल की प्रिंसिपल के पति हैं हम, हैं? अरे हमें तो क्लास में बाहर खड़े होने का बहुत अनुभव है। देखो नानू, अब क्या है ना कि देखो इस घर में आपके अलावा दोस्त ही कौन है मेरा, हैं? अब आपसे क्या छुपाना? डॉली जी है ना, उनको 24 घंटे मेरे साथ रहने की लत पड़ गई है। बताओ अब क्या करें भाई, सारा दिन तो मैंने उन्हें अपने साथ रखा, पीछे पीछे आगे आगे, पीछे पीछे आगे आगे। एक मीटिंग में जाना था, थोड़ा सा बेकूफ बना के उनको घर पर अकेला छोड़ के मैं चला गया, और वापस आया तो कहने लगी चीटिंग करती चीटिंग करती, फिर उसके बाद गुस्से से कमर के बाहर खड़ा कर दिया, निकाल दिया मुझे। अरे जगदम्बे होती तो हमें कभी नहीं कमरे से बाहर निकालती, बल्कि वो तो बकरी के बच्चे की तरह हमारे पैर में ना रस्सी बांध के रखती है। अब तो तुमसे क्या छुपाना है, हमें ना नींद में चलने की बीमारी है, इसलिए ना जगदम्बे हमारे पैर में रस्सी बांधकर हमें सुलाती है। ओ बेटे की जान, मां कसम इतनी बड़ी बात छुपा दी आपने अपने सच्चे दोस्त से। अब क्या करें, जगदम्बे ने मना किया था कि बच्चों को मत बताना, परेशान हो जाएंगे। हाँ बेचारी रात भर हमारे पैर में रस्सी बांधकर और दूसरा सिर अपने हाथ में रख के सोती है। ये देखो रस्सी की बेचारी की शक्ल भी कैसी हो रही है, अब हमारे पैर में कौन बांधेगा फंदा, बताओ। ओहो आप टेंशन मत लो नाना जी, मैं हूं ना, मैं बांधूंगा। क्या कर रहे हो? फांसी का बंदा बनाओगे? अरे छोटा बनाओ। अरे जगदम्बे होती थी 2 मिनट के अंदर फंदा बना लेती थी, और बांधते हुए कह देती हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, चाहे आप नींद में चलो चाहे जगते हुए। अब कहती थी अपने से आपको कभी दूर नहीं जाने देंगे, है ना? ये पति पत्नी का रिश्ता कितना अजीब होता है ना। कैसे नाना जी? अरे कभी नोक झोंक कभी प्यार। अब हमें देख लो, जब जगदम्बे पास होती ना हमें डर लगता कि हम मिठाई कैसे खाएं, हैं? अब वो जगदम्बे यहाँ से दूर चली गई है, बस हमारा दिल नहीं लग रहा, बस ये लग रहा कि जगदम्बे आ जाए तो हम उसे इस रस्सी से बांध कर अपने पास बैठा दें, कहीं दूर ना जाने दें।
मेरी प्यारी बारबी डॉली, कल की बात के लिए सॉरी। कल मैं आपको इसलिए छोड़ के गया था क्योंकि जब आप मेरे साथ होती हो ना, फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आप ही अच्छी लगती हो। अब आप खुद सोचो, मैं आपको मीटिंग में अपने साथ ले जाता तो क्या होता मीटिंग का, है नुकसान हो जाता ना। और डॉली जी, जाने अनजाने मैंने आपका दिल दुखाया हो, तो वादा करता हूँ आगे से कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी जी नहीं दुखाऊंगा। डॉली जी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, और पूरा मथुरा और हरियाणा जानता है चिंटू चौटाला आपसे कितना प्यार करता है। डॉली जी, मैं आपसे कभी दूर नहीं होऊंगा, कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे भी इस बात को सोच के ना डर लगता था कि कहीं हम दूर ना हो जाएं, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है ये और बातें हम होंगे जुदा ना हम। तो मेरी बारबी डॉली, दूर होने की आहट के भंवर से निकल कर नच बोलिए, आई लव यू मेरी बारबी डॉली, आपका प्यारा मालेगांव का चिंटू। चिंटू जी भी ना, लेकिन चिंटू जी ने ये लेटर लिखने के लिए सारे सीरियल्स अकेले ही देख लिए। कोई बात नहीं, अब से हमेशा साथ मिलकर ही देखेंगे। आई लव यू चिंटू जी। अजब गजब